सलार रिलीज ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम देवा को एक दरवाजे पे कील मारते हुए देख सकते हैं और काफी डरा हुआ भी है वो, और उस दरवाजे पे उसने वायर्स और कई सारे कील लगाए हुए हैं। फिर नेक्स्ट शॉट में वो एक पहलवान से लड़ता है और उसे एक इलेक्ट्रिक वायर से शॉक देकर वो उसे मार देगा। और ये सीन सलार के फर्स्ट ट्रेलर के ओपनिंग सीन के बाद का है, जहां पर वो पूछता है कि कौन था वो जिसने तुझे मारा। फिर हम वुल्फ ट्राइब के लोगों को देखते हैं जो कि उस स्टैचू के सामने है, और फिर हम कुछ और ट्राइबल लोगों को भी देख सकते हैं और किसी का तो फेस मास्क बनाया जा रहा है। फिर हम कांसार के एम्पायर को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा है, और फिर हम एक ब्लैक सूट में एक इंसान को देखते हैं जो कि दरबार में राजा के चेयर पर बैठने जा रहा है, और वॉइस ओवर में इसे सुल्तान बोला गया है। और यहाँ पर लोगों को ये लग सकता है कि ये बंदा रॉकी तो नहीं, ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पृथ्वीराज के पापा राजमन्नार है, क्योंकि इसका प्रूफ हमें इस शॉट में देखने मिलता है। लेकिन ये कोई और भी हो सकता है, और शायद से यश का कैमियो भी हो, और उसकी साइड में हम गांव वाले को भी देख सकते हैं, और इनको हमने पहले इस शॉट में भी देख सकते हैं, इनका कोई तो रोल होने वाला है इस स्टोरी में। फिर हम देखते हैं कि वुल्फ ट्राइब ने बुल ट्राइब के ऊपर और खानसार के वरदराज मन्नार पर अटैक कर दिया है, और वुल्फ ट्राइब की मदद कर रहे हैं। बुल ट्राइब से ही एक आदमी यानी कि गरुड़ा और बुल ट्राइब को वो धोखा दे रहा है। फिर हम इस औरत को देखते हैं और लगता है कि ये ईगल ट्राइब की लीडर लगती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये राज मन्नार की वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि इसने भी नोज रिंग पहनी हुई है। फिर हम प्रभास को मल्टीपल ऑटोमेटिक गन्स को ऑपरेट करते हुए देख सकते हैं, और प्रभास एक मैकेनिक है जो कि कई सारे माइनिंग के बड़ी बड़ी गाड़ियों को रिपेयर करता है। और यहाँ पर ध्यान देना, उसने अपने गले में लॉकेट पहना हुआ नहीं है। फिर इस शॉट में हम मल्टीपल रॉकेट लॉन्च होते हुए देख सकते हैं, और एक मिनी वॉर हो रहा है इधर। फिर हम देखते हैं कि वर्दा को अपने ही सिटी यानी खानसार में एंट्री लेने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ रही है, और ये सीन उसके ऊपर अटैक होने के बाद का है, क्योंकि उसके फेस पे उसके आंखों के पास हम वो इंजरी देख सकते हैं जो कि उस अटैक के टाइम उसके ऊपर हुआ था। और एंट्री लेने के लिए आपको अपना हाथ का छाप देना होगा ब्लैक इंक में एक बुक में, और उसके इस पेज पे लिखा हुआ है MSRENTPEG G10480, यानी कि ये गेट नंबर 1 है, और ये बंदा 480th पर्सन है जो कि अंदर जा रहा है, और ये हाथ मोस्टली प्रभास का ही है। फिर प्रभास की मल्टीपल फाइट सीन्स होती है माइनिंग पे और बाकी लोकेशंस पे भी जहां पर रॉकेट लॉन्च किया गया था, और फिर लगता है कि श्रुति हसन को कोई तो देवा की स्टोरी बोल रहा है। फिर इस सीन में प्रभास ने लॉकेट पहना हुआ है, लेकिन फाइट सीन के टाइम पे नहीं। फिर नेक्स्ट शॉट में हम सर्बियन और रशियन आर्मी को खानसार के अंदर आते हुए देख सकते हैं, और ये औरत अपने गार्ड्स को बोलती भी है कि अपने मन्नार आर्मी को हाई अलर्ट पे रहने के लिए बोलो, सिर्फ खानसार गेट पर ही नहीं बल्कि पूरे खानसार सिटी पे। और यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि ये औरत मन्नार ट्राइब की ही है, यानी कि ये करंट राजा मन्नार की वाइफ है या सिस्टर, या फिर वर्दा की माँ भी हो सकती है, या फिर कोई और रिलेटिव। और बाकी के दो ट्राइब्स के नाम है नारंग एंड गुरंग। और फिर इस फाइट सीन में हम उसको लॉकेट पहने हुए भी देख सकते हैं। फिर ये सीन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें प्रभास ने हथकड़ी पहनी हुई है, टीनू आनंद ने भी हथकड़ी पहनी हुई है, बाकी कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, और बाकी के लोग गन्स के साथ उनको गार्ड कर रहे हैं, लेकिन प्रभास आराम से घूम भी रहा है और अपनी हथकड़ी तोड़ भी देता है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है कि ये प्रभास और पृथ्वीराज की कोई प्लानिंग है अपने दुश्मन को हराने की, कि वो पकड़ने का नाटक करके खानसार के काफी अंदर तक आ जाए, या फिर प्रभास ने या फिर किसी और ने इनके साथ डबल गेम खेला है, या फिर इस सीन का टोटली कुछ और मीनिंग भी हो सकता है। और इस सीन में उसने लॉकेट पहनी हुई है और प्रभास एक जेल में है और अपने साथियों से बोल रहा है कि खानसार पूरा लाल रंग से भरना चाहिए, आग से या फिर उनके खून से। फिर हम खानसार के चेक पोस्ट को ऊपर से देखते हैं, और हमें सबसे पहले खानसार का गेट, उसके पीछे आर्मी का चेक पोस्ट और माइनिंग की गाड़ियां यहां से एक्सपोर्ट होती है, उसके पीछे फैक्ट्रीज एंड माइनिंग एरिया है। फिर हम खानसार के शहर को देखते हैं। फिर हम इस सीन में एक छोटे से एरिया में प्रभास पृथ्वीराज को देखते हैं और कई सारे लोग मरे हुए हैं, और यहाँ पर एक फाइट सीन हुआ है और कई सारे औरतें और बच्चों को देखते हैं जो कि रेड ड्रेस में है, और यहाँ पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है इन औरतों के साथ, और उनको बचाने के लिए ये दोनों आए हैं।
फिर हम प्रभास की माँ को देखते हैं जो कि एक स्कूल टीचर है और श्रुति हसन भी इस क्लासरूम में है और एंड में हमको ये बोला जाता है कि खानसर की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और ये दुश्मन क्यों बने ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और ये दुश्मनी हमको सेकेंड पार्ट में नजर आने वाली है और इसका रीजन ये हो सकता है कि प्रभास ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त की मदद की लेकिन एंड में उसको धोखा मिल गया या फिर उसको ये पता चला कि पृथ्वीराज के पापा ने कुछ तो गलत काम किया है फिर उसकी ट्राइब कुछ तो गलत कर रही है या फिर श्रुति हसन को कुछ तो हो गया है या फिर प्रभास को अभी खानसर का राजा बनना है या फिर किसी और तीसरे इंसान ने इन दोनों के बीच में आग लगा दी है या फिर कुछ और रीजन भी हो सकता है। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, प्रशांत नील ने खुद एक इंटरव्यू में ये बोला था। और ये जो तराजू एंड में दिखाया गया है कि एक साइड भारी हो गया है दूसरे साइड से, ये हिंट कर रहा है कि एक ही किस्मत बदल गई है और उसका पगड़ा भारी हो गया है और ये काफी कुछ बयां कर देता है। और लॉकेट का कभी होना और ना होना एक मिस्ट्री है और लगता है कि प्रभास का डबल रोल नहीं होगा इसमें, लेकिन पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। तो आपकी क्या थियरीज है और आपको कैसा लगा ये ट्रेलर हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आप और वीडियोस देख सकते हैं एंड फॉलो मी सोशल मीडिया हैंडल्स @thenewsdomist हैंडल नेम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू।